बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि बिहारी जी के दर्शन 25 तारीख से यानी 25 अक्टूबर से फिर से खुल रहे हैं। अब प्रोसीजर क्या है वो समझिए। बिहारी जी का पर्दा जो अभी लगा हुआ है आप सभी भक्तों के लिए खुलने वाला है और आप सभी भक्त लोग आके दर्शन कर सकते हैं। आपको yatradham.org पर बांके बिहारी मंदिर सर्च करना है, जो वेबसाइट है yatradham.org, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको बांके बिहारी मंदिर सर्च करना है और उसमें जाके आपको डेली के स्लॉट में बुकिंग लेनी है। यानी कि आप 25 तारीख को अगर आपको दर्शन करने हैं तो 250 मॉर्निंग और 250 इवनिंग के स्लॉट बने हैं, उसमें आपको बुकिंग करनी है। आपको अपना आधार कार्ड साथ में लाना है और आपको अपनी पूरी डिटेल उसमें देनी है। उस डिटेल के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ आप दर्शन करने आ सकते हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो डेली का चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है। आगे इसको एक दो दिन बाद आगे और बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन के लिए ना आए, आपको असुविधा हो सकती है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं yatradham.org पर, www.yatradham.org पर आप जाइए और आपको रजिस्ट्रेशन कराइए। बांके बिहारी मंदिर सर्च करके वहाँ पर आपको दिख जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग 250 पर, 250 सुबह है और 250 शाम को है, यानी इवनिंग और मॉर्निंग का स्लॉट अलग अलग है। आपको दर्शन करने के लिए वहाँ बुकिंग करानी होगी और फिर उसके बाद आप अपने गोस्वामी वगैरह से भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। जय बिहारी जी की श्री हरदास। और ध्यान से फिर से सुन लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन करा कर ही आना चाहिए ताकि आपको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। और बिहारी जी का पर्दा कल से खुल रहा है। जय बिहारी जी की श्री हरदास। जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से आप दर्शन करने आ सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चल जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको बता दिया है कि किस प्रोसीजर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जय बिहारी जी की श्री हरदास।